पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्मार्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय वीडियोस। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर शिप्रा वर्मा में। डियर फ्रेंड्स, आज मैं राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियोरी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs का प्रैक्टिस सेट 24 लेकर आपके सामने आई हूँ। इसके अंतर्गत हम ये अति महत्वपूर्ण राजनीतिक सिद्धांत के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके MCQs को प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करेंगे। तो आज इसके अंतर्गत जो टॉपिक है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस करना है वो है टॉपिक स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो हम आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो बिल्कुल अंत तक आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा और अंत में अपना स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, किसने कहा स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है और यह हल है कि यह समानता में स्थिर रहती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पोलार्ड, ऑप्शन बी लॉस्की, ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू और ऑप्शन डी डेसी। देखिए, किसने कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है कि यह समानता में स्थिर रहती है। क्या ये पोलार्ड है, क्या ये लॉस्की है, क्या ये मॉन्टेस्क्यू है या फिर ये डेसी है? देखिए, आप लोग कमेंट जरूर से कमेंट में अपना स्कोर जरूर से शेयर किया करिए और आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पोलार्ड। पोलार्ड का यह कहना था कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है कि और वो हल क्या है कि यह समानता में स्थिर रहती है। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक मनगढ़ंत कल्पना है, यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए GDH कोल, ऑप्शन बी लॉस्की, ऑप्शन सी JS मिल और ऑप्शन डी बार्कर। चलिए बताइए, आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र एक मनगढ़ंत कल्पना है, यह जो है कथन या कोट किसका है? चाहे तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करिए। देखिए, जल्दीबाजी में आंसर मत दिया करिए, अक्सर होता यह है कि हम लोग आते हुए क्वेश्चन का भी गलत आंसर दे देते हैं घबराहट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए GDH कोल। GDH कोल का ही यह कथन है या GDH कोल से ही यह कथन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, कौन समानता को बैगची दर्शन मानता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रॉबर्ट ओबन, ऑप्शन बी इवेंस्टीन, ऑप्शन सी आरेस्टाने और ऑप्शन डी सिडनी बे। चलिए बताइए, हु कंसिडर्स इक्वेलिटी एज ए बैगची फिलोसफी? क्या ये रॉबर्ट ओबन है, क्या ये वेंस्टीन है, क्या ये आरेस्टाने है या क्या ये सिडनी बेब है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, ऑप्शन सी आरेस्टाने इसका सही आंसर है। आरेस्टाने का कहना था कि समानता जो है वो स्वतंत्रता के अभाव में एक बैगची दर्शन के समान है, यानी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस दर्शन का, समानता के दर्शन का कोई अस्तित्व ही नहीं है अगर स्वतंत्रता की भावना का लोप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, किसने सरल समानता व जटिल समानता में अंतर बताया है और जटिल समानता पर विचार प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वाल्जार, ऑप्शन बी मैकफर्सन, ऑप्शन सी डॉर्किन और ऑप्शन डी राल्स। चलिए बताइए, किसने सरल समानता और जटिल समानता में अंतर बताया है और इसमें अंतर बताते हुए इन्होंने जटिल समानता पर विचार प्रस्तुत किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाल्जार। देखिए, वाल्जार महोदय ने क्या किया था, इन्होंने कहा था कि सरल समानता और जटिल समानता में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब हम देखते हैं कि जो समाज में जो सामाजिक वर्ग हैं वो ये कुछ जो उच्च वर्ग होते हैं और कुछ निम्न दर्जे के वर्ग होते हैं, समाज में कई तबके के लोग रहते हैं, तो जो उच्च वर्ग होते हैं उन्हें सामाजिक रूप से समानता की स्थिति
सतह ही प्राप्त हो जाती है, ठीक है। उन्हें हर पोस्ट के लिए, आप कह सकते हैं ऐसे सीधे भाषा में कि हर पोस्ट के लिए उन्हें उपयुक्त समझा जाता है, लेकिन जो निम्न वर्ग हैं उन्हें सहज रूप से समाज में समानता की स्थिति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि उनके लिए जो सामाजिक मानदंड है वो उच्च वर्ग के लोगों से थोड़े भिन्न हैं। तो इस तरह से ये समानता का डिफरेंट रूप हो जाता है, इसे ही जटिल समानता कहते हैं। तो इसी पर ही इन्होंने विस्तृत चर्चा की थी जटिल समानता के कॉन्सेप्ट पर या थियरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक बात पर बल देती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वायत्तता, ऑप्शन सी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति और ऑप्शन डी पसंद की स्वतंत्रता। चलिए बताइए। देखिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, इसके लिए आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। देखिए आपको बताना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता, ये जो निगेटिव लिबर्टी या फ्रीडम होती है, वो किस बात पर बल देती है। क्या ये समानता पर बल देती है, क्या ये स्वायत्तता पर बल देती है, क्या ये हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है, या फिर पसंद की स्वतंत्रता पर बल होता है इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। जो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है वो किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप को, कोई भी नागरिक है उनके कार्यों में नकारात्मक स्वतंत्रता की जो धारणा है वो स्वयं के कार्यों पर बाह्य हस्तक्षेप का विरोध करती है। तो यही कहा जा रहा है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा है वो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर जोर देती है। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि स्वतंत्रता की अवधारणा में ऑप्शन ए अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति रहती है, ऑप्शन बी अधिकतम न्याय की प्राप्ति होती है, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मुक्ति प्राप्त होती है, और ऑप्शन डी नियंत्रणों की अनुपस्थिति रहती है। स्वतंत्रता की अवधारणा में इन ऑप्शन में से क्या बात निहित रहती है या किस तत्व का समावेश होता है, आपको ये बताना है। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आपको आंसर में यही बताना है कि जो स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, उसके अंतर्गत किन तत्वों का, किन एलिमेंट्स का ये समावेश होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिए स्वतंत्रता की अवधारणा में अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति उपस्थित रहती है, यानी जब इंसान स्वतंत्रता का अनुभव कब करेगा, इंसान को, किसी भी सदस्य को, किसी भी नागरिक को फ्रीडम कैसे फील होगा, जब उसके ऊपर अनुचित नियंत्रण की स्थापना नहीं होगी, यानी कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल, मतलब कोई भी अनावश्यक रूप से उसके कंट्रोल, उसके कामों को कंट्रोल ना करे या उसको कंट्रोल ना करे, तभी ना उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव होगा कि हाँ मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, समानता के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैधानिक समानता, ऑप्शन बी राजनैतिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, और ऑप्शन डी आर्थिक समानता। चलिए बताइए कि समानता के इन प्रकारों में से कौन सी समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ इस प्रैक्टिस सेट में, ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अंत तक वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा, और अगर आपको ये यूज़फुल लग रहा है तो अपनी तरह के तैयारी करने वाले जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर नेट JRF की तैयारी कर रहे हों, या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें ये वीडियो जरूर से शेयर कर दिया करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्थिक समानता। देखिए जो आर्थिक समानता का सिद्धांत है या आर्थिक समानता का जो कॉन्सेप्ट है वो समानता के उदारवादी अभिप्राय के साथ सुसंगत नहीं होता है। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 न्याय और व्यवस्था का नाम है, न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। तो ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन ए मरियम, ऑप्शन बी लॉस्की, ऑप्शन सी लॉर्ड ब्राइस, और ऑप्शन डी रफेल। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये किसका कथन है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा भी होती है और समाज की मर्यादा भी बनी रहती है।
क्या ये मेरियम का कथन है, क्या ये लॉस्की का कथन है, क्या ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है या फिर रफेल का कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रफेल। रफेल का ये कहना था कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा हमारे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा तो होती ही है, साथ में समाज की मर्यादा भी बनी रहती है। क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, करारोपण बलात्श्रम के बराबर है, यह कथन किसका था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी नॉजिक, ऑप्शन सी बर्लिन और ऑप्शन डी हेयर। चलिए बताइए यह कथन किसका था कि करारोपण जो है वो बलात्श्रम के बराबर है। जो हम कर देते हैं, जो हम कर अदा करते हैं, वो एक तरह के बलात्श्रम फोर्स्ड ये लेबर के समान है। क्या ये कथन है जॉन रॉल्स का, क्या ये कथन है नॉजिक का, क्या ये कथन है बर्लिन का, क्या ये हेयक का कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी नॉजिक। नॉजिक का यह कहना था कि जब किसी भी राजनीतिक व्यवस्था द्वारा या किसी भी व्यवस्था के द्वारा जब नागरिकों से बलात्कार यानी जबरदस्ती कर लिया जाता है तो वो एक तरह से बलात्श्रम के बराबर होता है। क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी मिल और ऑप्शन डी हॉब्स। चलिए बताइए किसने स्वतंत्रता को विरोध की अनुपस्थिति के रूप में परिभाषित किया है। क्या ये हॉब्स हैं, क्या ये लॉक हैं, क्या ये रूसो है या ये मिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हॉब्स का कहना था कि स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता उसी स्थिति में प्राप्त हो सकती है जब उस स्वतंत्रता में किसी प्रकार का विरोध की भावना व्यक्त निहित न हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से क्या समानता के सिद्धांत के अनुरूपता में नहीं आता है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए संरचनात्मक विभेदन, ऑप्शन बी विशेष योग्यता के लिए विशेष पुरस्कार, ऑप्शन सी राज्य की सकारात्मक कार्यवाही और ऑप्शन डी समरूपता। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से समानता के सिद्धांत के अनुरूप कौन सा तत्व या एलिमेंट नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी समरूपता। समरूपता का सिद्धांत या समरूपता किसी भी प्रकार से समानता के सिद्धांत से के अनुरूप नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पर कि समानता की संकल्पना किस युग की देन है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 आधुनिक युग, ऑप्शन 2 प्राचीन युग, ऑप्शन 3 दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। आपको बताना है कि जो समानता की संकल्पना है वो किस युग की देन है, यानी ये जो कॉन्सेप्ट आया है इक्वेलिटी का वो किस एरा में आया है। क्या ये मॉडर्न एरा में आया, क्या ये एंशियंट एरा में आया है, क्या ये इन दोनों में ही आया यानी 1 और 2 दोनों में ही आया या फिर 4 कोई नहीं, यानी ये ना तो आधुनिक युग की देन है या ना ही प्राचीन युग की देन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। क्वेश्चन है आपके सामने आधुनिक युग में रूसो फ्रांस की क्रांति व अमेरिका की क्रांति ने किस संकल्पना को केंद्रीय विषय बनाया। आधुनिक युग में रूसो ने फ्रांस की क्रांति व अमेरिका क्रांति में किस संकल्पना को केंद्रीय विषय बनाया। आपके ऑप्शन ऑप्शन ए न्याय, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी असमानता, ऑप्शन डी कोई नहीं। आपको बताना है कि आधुनिक युग में रूसो ने फ्रांस की क्रांति व अमेरिकी क्रांति में किस संकल्पना को केंद्रीय विषय बनाया था, यानी इस क्रांति का जो मेन पॉइंट था वो क्या था। आपको बेसिकली यही बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी समानता। रूसो ने समानता को केंद्रीय विषय बनाया था फ्रांस की क्रांति व अमेरिका की क्रांति का। क्वेश्चन है आपके सामने फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी तो उसका क्या नारा था, उसका स्लोगन क्या था। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या स्लोगन था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी बंधुत्व और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए बताइए फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में हुई थी उसका क्या स्लोगन था, क्या आदर्श वाक्य था, क्या नारा था। आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जो कि 1789 में हुई थी उसका वो
किस सिद्धांत पर आधारित थी? वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन तीनों भावना पे आधारित थी। यानी हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं और ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं जिसमें समानता और बंधुत्व इन दोनों ही तत्वों का समावेश हो। यानी हमारी हमारी स्वतंत्रता में समानता और बंधुत्व इन दोनों ही तत्वों का सम्मिश्रण हो। हमें ऐसी ही स्वतंत्रता चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति का यही नारा था। प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। द न्यू क्लास 1957 किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मिलोवन जिलास, ऑप्शन सी अरस्तु और ऑप्शन डी टॉनी। चलिए बताइए कि द न्यू क्लास बुक जो कि 1957 में पब्लिश हुई थी, इसके ऑथर कौन है या इसके राइटर कौन है? आपको यही बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिलोवन जिलास की बुक है द न्यू क्लास 1957। डियर फ्रेंड्स, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में स्वतंत्रता, समानता, न्याय अवधारणा जो है, ये जो राजनीतिक सिद्धांत में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन को आपसे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, उसे आपके सामने प्रैक्टिस सेट के रूप में डिस्कस किया है। अभी इसके और इस टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन भी हैं जो कि आपसे डिस्कस करना बाकी है, तो उन्हें मैं अगले प्रैक्टिस सेट में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है, मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, तो इसे आप अधिक से अधिक शेयर करिए। इस प्रैक्टिस सेट को अपने ही तरह NGRAF, DSSC, PGT एग्जाम, स्कूल लेक्चरर एग्जाम या फिर PhD एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में इन प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दीजिए जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स है। तो और हाँ, आपके लिए, आपके सुविधा के लिए मैंने अपने चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप लोग सबसे पहले चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए और अपने ये इंटरेस्ट के वीडियोस देखने के लिए संबंधित प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे या प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो और चैनल पे नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हिट द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। तो इसी तरह के अन्य प्रैक्टिस सेट के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।